बाड़मेर पंचायत समिति के रड़वा गांव में रोडवेज बसों का ठहराव नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को रड़वा गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रोडवेज बसों को ठहराव रड़वा गांव में पुनः शुरू करवाने की मांग की। बाड़मेर से महज 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित रड़वा गाँव के बासिंदों को इन दिनों आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर रड़वा गांव के लोगों ने सोमवार को बाड़मेर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रड़वा बस स्टैंड पर रोडवेज बसों के ठहराव की मांग की है। ज्ञापन में रड़वा के बाशिंदों ने बताया कि एक सप्ताह पहले रड़वा से प्रत्येक आधे घंटे में रोडवेज की बस मिल जाती थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से रोडवेज की बसों की संख्या कम हो गई है। अब दो घंटे में रोडवेज की एक बस रड़वा बस स्टैंड पर रुकती है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि हाईवे पर होने की वजह से नाम मात्र की निजी बसें ही यहाँ से गुजरती है। ऐसे में गांव के लोगों को आवागमन के लिए रोडवेज की बसों पर ही निर्भर है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, बालेरा की रोडवेज बस के लिए पहले हमने यहाँ पे एमडी साहब को ज्ञापन दिया था, तब एमडी साहब ने बोला था कि आपकी जल्दी ही हम बस को चालू करेंगे। और एक हमारा और भी है, रडवे चोटन से बाड़मेर जाने वाली बसें, वो सारी बसें बंद हो गई, उनको लेकर हम आज एसडीएम साहब को सीएम के नाम ज्ञापन देंगे। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि लोगों ने रोडवेज की बसों में पास बना रखे हैं, लेकिन रोडवेज बस नहीं मिलने से उन्हें समय के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उन्होंने एसडीएम को समस्या का समाधान करवाने की मांग की है। इस अवसर पर जालम सिंह, गणपत सिंह, रावल सिंह, विक्रम सिंह, प्रकाश सिंह, भगवान सिंह, सरवण सिंह, ओम सिंह, तन सिंह, रहमत सिंह, भरत सिंह, जबर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।